हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। यार लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर यार हालात कुछ ऐसे हैं कि मन तो बहुत कर रहा है कुछ भी ऐसा चाट वगैरह खाने का या समोसा खाने का या ऐसी चीजें, लेकिन यार बाहर जाना भी रिस्की है खाने के लिए और वहां जाकर के खाना भी रिस्की है और लॉकडाउन वैसे है तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो यार हमने सोचा कि क्यों ना खुद ही समोसे बना लिए जाए, और अब दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ क्रेजी बनाया जाए समोसे में। तो फिर दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं, नॉर्मल समोसा इतना सा होता है या इतना होता है, हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे बड़े साइज का समोसा। अब वो मुझे भी नहीं पता कि कितना बड़ा होगा, लेकिन ये जरूर है कि काफी बड़ा, लगभग 10 किलो का समोसा बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको बनाएंगे, क्या हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि भाई जो कुछ होगा आपको वो दिखाएंगे वीडियो में कि अगर एक बड़ा समोसा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद में अगर वो बन गया हो फुली तो उसको खा करके भी देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और ये वीडियो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि ये वीडियो देख करके आपके मुंह में भी पानी आ सकता है और हो सकता है कि आप नहीं जा पाओ कहीं भी। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई जो आलू है वो उबल करके छिल चुके हैं और वो है यहां पर, हमने इनको उबाला है, छील लिया है, अभी एकदम तैयार है। और आप सोचोगे ये जो सारा आलू है एक समोसे में डलेगा, उसके अलावा हमको बहुत सारी चीजें चाहिए। हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन भी छील करके निकाल लिया, इनको कूटना पड़ेगा। हमारे पास में धनिया है, हरा धनिया, ये हमको चाहिए होगा। हमारे पास में हरी मिर्ची है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में मसाले हैं जो कि यार समोसे में चाहिए। मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ, हमारे पास है चंकी चाट मसाला, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, इसके अलावा हमारे पास में सौंफ, हमारे पास है जीरा, अजवाइन, लौंग, इलायची, ये है साबुत धनिया, नमक हमको चाहिए होगा, हमको लाल मिर्च चाहिए होगी, हमको हल्दी चाहिए होगी, और समोसा बनता है मैदा से। तो यहाँ पर है काफ़ी सारी मैदा, इतनी सारी मैदा एक समोसे के लिए लेकर के आए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को इनके काम पर लगाते हैं। जो मैदा है उससे एक हमको लंबी सी रोटी टाइप की चीज़ बनानी होती है, फिर उसको आधा काट करके उससे समोसा बनता है, अभी आपको दिखाएंगे पूरा करके। और उससे भी पहले आलू का मसाला तैयार करना पड़ेगा, यानी जो समोसे का मसाला है वो रेडी करना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, आ जाओ। और आलू के मसाले में एक और चीज़ मिलेगी जो कि है ये भाई, ये है मटर, और ये जो है आपको मिल जाएंगे भैया एकदम फ्रोजन है ये, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए होते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा भी गर्म होने देते हैं, उसके बाद में इसको भी मसाले में मिलाएंगे धो करके। तो भाई जो बड़ा समोसा है वो यहाँ पर तैयार है, आप लोग देख सकते हो, और इसमें यार कितना वजन है, आप ये भी देखो, आपको फील तो नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें काफी वेट है। और अब है इसको तलने की बारी, क्योंकि जब हम इसको तलेंगे उसके बाद में तैयार है, अभी तो ये कच्चा समोसा है। तो इसको तो मैं यार यहाँ रख देता हूँ बड़े ही ध्यान से, और यहाँ पर हमारे इस बड़े कढ़ाई के अंदर डालते हैं तेल। और यहाँ पर हमने कुछ छोटे समोसे भी तैयार किए हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं, तो इनको भी साथ के साथ सेक लेंगे। ठीक है, तो इसमें काफी सारा ऑयल भी हमको चाहिए होगा, और ये है रिफाइंड ऑयल। ठीक है भाई, तेल डल चुका है, अब जो है इसको गर्म होने देते हैं और फिर इसमें समोसा डालेंगे। गाइस तेल तैयार है, अब इसमें मैं समोसे डाल रहा हूं बड़े ही आराम से।
तो भाई लगभग 10 मिनट सिकने के बाद में ये जो समोसे हैं आप लोग देख सकते हो कि ये तैयार हो गए हैं, खाने लायक हो गए हैं। तो अब इनको रखते हैं और बड़े वाले के ऊपर आते हैं। ये तो एकदम रेडी है। ठीक डालो। तो भाई यहाँ बड़ा समोसा जो है वो तेल में जा चुका है। और जरा एक बार इसका साइज देखो एक बार, मतलब जो पूरा इतना ज्यादा तेल है वो भर चुका है इससे। देखो एक बार इतनी बड़ी कढ़ाई में सिर्फ एक समोसा है और वो भी इतना बड़ा है साइज में, आप खुद ही देख लो यार। और अब हम इसको हिला नहीं सकते थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सिक जाए इसमें। जो बड़े साइज का समोसा है वो तेल में से निकल चुका है बाहर, और देखो इतना भारी है कि इसके नीचे का ये हट नहीं रहा है। ओहो आराम से गरम होगा। यहाँ पर है एक इतना बड़ा समोसा, आप लोग देखो यार, और हमने ये सक्सेसफुली बना करके तैयार कर दिया। देखो आपके सामने है, अभी अभी निकाला है, जस्ट अभी अभी, और एकदम सही था। लेकिन अब ये जो है यहाँ से टूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर ये तेल में टूट जाता तो दिक्कत ज्यादा हो जाती, लेकिन अब ये जो एकदम सही है। एक काम करते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई और वजन नापते हैं, ये कितना है। तो भाई फाइनली जो हमारा बड़ा समोसा है वो टेस्ट करने के लिए तैयार है। यहां पर है सबसे बड़ा समोसा, आप लोग देखो यार इसका क्या साइज है। और अभी ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसको ठीक ठाक टच कर सकता हूं। आधा घंटे ज्यादा हो गया लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 23 इंचेस। देखो 23 इंच लंबा समोसा है, लगभग 2 फीट का है। और ये वाली अगर लेंथ की बात करें तो ये जो है ये है लगभग 15 इंच से ज्यादा, यहां पर आ रहा है देखो 23 इंच का लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी मेरे हिसाब से इसकी ऊंचाई है भाई साहब लगभग 5.5 इंच, लगभग इतनी, इतना ऊंचा है ये समोसा। और ये ऐसे पड़ा हुआ है अभी, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे तो ऊंचाई और बढ़ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर शेप है, तो ये मेरे हिसाब से लगभग 8-9 इंच ऊपर आ जाएगा। लेकिन यार देखो यार इसका साइज जो है वही इसकी मेन बात है। और बहुत सारे इसको जो है बनाने में प्रॉब्लम्स आई हैं। हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और अब जो है शाम हो चुकी है और अब जा करके समोसा हमारे सामने आया, सारी चीज़ें काट के मिक्स करके जो कुछ भी किया टाइम लग गया। तो अब एक काम करते हैं, इसका वेट और कर लेते हैं कि इसमें कितना वजन है। और देखो एक बार देखो, छोटे समोसे से कंपेयर करता हूँ, ये नॉर्मल समोसा है और ये हमारा बड़ा समोसा है। देखो भाई कुछ बोलने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि रह गई है, आप खुद ही देख सकते हो। तो अब एक छोटे समोसे का पहले वेट करते हैं। मशीन जीरो है और इसके अंदर वजन है भाई 49 ग्राम्स, देख सकते हो आप एकदम। ठीक है अब लाते हैं बड़े वाले को और उम्मीद करते हैं कि टूट ना जाए। भैया मोहित नहीं 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 टूटेगा, ठीक है रखते रखते, ठीक है ठीक है ठीक है, पहुँच गई। ठीक है हल्का सा हाथ में रख रहा हूँ लेकिन मैं प्रेस नहीं कर रहा, छोड़ दे गाइज। ये जो है 3400-3500 ग्राम जो है वेट दिखा रहा है, ओ यानी कि लगभग 3.5 किलो का समोसा। और यहाँ पर पता है इसको सपोर्ट देने के लिए छोटे समोसे लगा रखे हैं, और हमने मैं आपको सही बताऊं तो बड़ा समोसा बनाने की कोशिश करी थी इससे भी ज़्यादा, लेकिन यार वो जो है बन ही नहीं पाया। बड़ा जो समोसा है उसको तेल में डालना ही अपने आप में महाभारत है, वो नहीं डल सकता। और उसको डालने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, पूरा तेल भी ख़राब हो सकता है
और समोसा भी गया। तो इसलिए जो एक ऐसा साइज जो कि हमसे बन पाया वो यही साइज है, इसमें काफी मोटी मैदा की परत भी। तो एक काम करते हैं यार, अब इसको जो है टेस्ट करते हैं कि अंदर से कैसा है, अंदर से आपको खोल के दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो आर पार काट रहा हूँ बिना टाइम लिए, और ये आपके सामने सबसे बड़ा समोसा खुल गया है। गाइस देखो यार, क्या यहाँ पर जो है जबरदस्त मसाला रखा हुआ है, और इसकी स्मेल ऐसी आ रही है कि अब मेरा मन कर रहा है इसको खाने का सच्ची में। तो यहाँ से मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, यार अपने बस की बात इतनी है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। ये वही बात है कि ये हाथी के साइज़ का समोसा बन गया यहाँ पर, ठीक है। वो अंदर से गर्म है यार, और यार मसाला ज़बरदस्त बना है, मसाला एक नंबर है, और जो टेस्ट है वो भी एक नंबर है। बस एक कमी, थोड़ी सी कमी नहीं कहेंगे उसको, समोसे की प्रॉपर्टी है कि उसकी ये जो परत है ना ये इतनी ज़्यादा मोटी है कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यार बड़े समोसे में मोटी बनेगी तो उसकी वजह से जो है मेरे मुँह में मैदा ज़्यादा और मसाला कम रह गया बस, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं। और आप देखो यार, आपको देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना मस्त इसका कलर उसमें चीज़ें दिख रही हैं, एकदम प्रॉपर जो है ये समोसे का मसाला है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, इस एक्सपेरिमेंट में। लाइक ज़रूर से कर देना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें काम करना पड़ा तब जाके बना है, आपको दिखाने के लिए बना है। और अगर आपके खाने के मन में आ रही है तो भाई प्लीज़ हमको डिसलाइक करके मत जाना क्योंकि लॉकडाउन में हो सकता है जैसे हमारे मन में थी वैसे आपकी भी आ सकती है। अब हमारे पास तो ये वाले भी हैं, हम इनको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद में जो है बढ़िया से जो खाना पीना हो खाना पीना आराम से। और यहाँ पर देखो एक चीज़ भूल गया मैं, इसके लिए चटनी भी है, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं यार। ये मैंने लिया हमारा समोसा, क्या हुआ मैं भी खा लेता हूँ ये चटनी। यार एक बात है, समोसे का टेस्ट चटनी से ही बना है, बहुत फर्क पड़ गया टेस्ट में। इमली की चटनी बनाई है हमने और उसको उसके साथ खाने के बाद में और भी बढ़िया इसका टेस्ट हो गया। तो भाई अगर आपको मजा आया लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साइज इतना बड़ा है कि कितने भी लोग इसको खा सकते हैं लिटरली, और मुझे लगता है 10 लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला भाई, ये काफी बड़ा है, आराम से भर जाएगा। तुम आराम से कैमरा जलाओ, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा।